Assalamu alaikum dear students I hope you are fit and fine today we are going to discuss the topic post-war recovery this is the topic taken from the chapter the making of a global world in our last lecture we discussed about the world war which broke out in August 1914 between the two power blocks that is allied powers and central powers at the same time we also saw the effect of war not only in europe but in the whole world so we also discussed how united states emerged as the leading industrial nation in the world and how was the economy of britain destroyed by the war we also saw the rise of japan and india in the world market सो लेट इस कंटिन्यू दिस टॉपिक दैट इज़ द पोस्ट वार रिकवरी तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जहाँ ब्रिटेन की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई अनएम्प्लॉमेंट बढ़ गई और दूसरी तरफ से जो इकॉानी थी जो एग्रीकल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया लगभग लगभग जो ज़िंदगी की हर ज़रूरत है उस पर इम्पैक्ट पड़ गया अब ऐसा क्यों हुआ ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग थे वो आर्मी में चले गए अब पीछे बची थी विमेन तो वो इंडस्ट्री ज्वाइन करने लगी तो सभी विमेन ने तो जॉइन नहीं किया लेकिन जिन्होंने भी जॉइन किया वो सिर्फ़ उन इंडस्ट्रीज़ में उनको जॉब मिला जो वार के लिए प्रोड्यूस कर रही थी तो वार के लिए क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा था एक तरफ़ से यूनिफॉर्म्स प्रोड्यूस हो रही थी शू प्रोड्यूस हो रहे थे नेट्स हो रहे थे आर्म्स एंड एमिनेशन प्रोड्यूस हो रहा था तो दूसरी तरफ से वार के लिए प्रोड्यूस हो रहे थे फूड ग्रीन्स, फूड ग्रीन्स में ज़्यादातर वीट था जिसकी डिमांड वार के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन सब चीज़ों की डिमांड पूरे वर्ल्ड मार्केट में वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया यानी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई इन चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ गई और बाद में इन्हीं चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई जहाँ ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान लीडिंग कंट्री थी वीट प्रोड्यूस करने में और इसका पूरा मार्केट था वर्ल्ड मार्केट में इसका पूरा शेयर था या यूं कहेंगे कि ईस्टर्न यूरोप एक लीडिंग कंट्री बन गई वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले पूरे मार्केट में क्योंकि ये सप्लाई करे थे वीट यानी फूड ग्रेन्स लेकिन जैसे ही वार स्टार्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार तो ईस्टर्न यूरोप में भी वार हुआ तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूस ये कर रहे थे कल्टीवेटर्स यानी वीट प्रोड्यूस कर रहे थे उस पर इम्पैक्ट पड़ा प्रोडक्शन रुक गई अब वर्ल्ड को नए सप्लायर्स मिल गए और ये सप्लायर्स थे ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड अमेरिका तो यहाँ से अब वीट प्रोड्यूस होने लगा सप्लाई होने लगा तो वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले जो मार्केट ईस्टर्न यूरोप का था अब वो कनाडा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आ गया इसी तरह से वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले जो मार्केट ब्रिटेन का था यानी टेक्सटाइल्स में जूट में या जो बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे जो मार्केट अब ब्रिटेन का था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले वो अब चला गया इंडिया और जापान के हाथों में क्योंकि यूरोप या ब्रिटेन खुद वार में एंगेज था अब इंडिया और जापान इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और वा, वार के दौरान अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट की नतीजा क्या हुआ इनका मार्केट वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान बढ़ गया तो जो ब्रिटेन था ब्रिटेन की हालत वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ख़राब होने लगी क्यों इसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी दूसरा इसकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या अगर इस तरह की प्रोडक्शन होती थी उस पर भी इम्पेक्ट पड़ा जो वर्ल्ड मार्केट में इसकी पोजीशन थी वो डाउन हो गई और साथ ही साथ में जो इसने वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान यूएस बैंकर से या यूएस पब्लिक से लोन्स लिए थे अब वो चुकाने का वक्त आ गया था तो इस वजह से इसकी इकॉनमी पूरी तरह से डाउन हो गई वर्ल्ड मार्केट में इसकी पोजीशन डाउन हो गई इंटरनेशनल मार्केट में जो ये पहले एक्सपोर्ट कर रहा था अब वो वो भी कम होने लगा और वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जैसा हमें पता है इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा खत्म ही ख़त्म हो गया पैसा क्योंकि जब बिज़नेस ही नहीं था तो पैसा भी नहीं था जब पैसा ही नहीं था तो हर एक जगह पर प्रॉब्लम्स होने लगी यहाँ तक कि ईस्टर्न यूरोप में जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने वार के बाद जो कुछ भी प्रोड्यूस किया वो किसी ने खरीदा ही नहीं क्योंकि क्यों नहीं खरीदा क्योंकि खरीदने वाले लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा नतीजा क्या हुआ उनकी जो फसलें थी वो खड़े खड़े खराब हो गई तो उन्हें कोई ख़रीदने वाला नहीं मिला दैट्स वाई वो खराब हो गई तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने देखा किस तरह से ब्रिटेन की इंडस्ट्री ज़्यादा बंद हो गई कैसे आ, इसकी इकॉनमी डाउन हो गई कैसे वर्ल्ड मार्केट में इसकी रैंक कम हो गई दूसरी ओर यूएस की इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश होने लगी क्योंकि वॉर तो यूरोप में हो रहा था और फ़ायदा यूएस को हो रहा था यूएस एट दैट टाइम बिकेम द मेजर सप्लायर ऑफ फूड ग्रीनस एंड इंडस्ट्रियल गुड्स मोस्टली वार रिलेटेड गुड्स यानी वार के दौरान जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी वो सिर्फ वार के लिए प्रोड्यूस कर रही थी दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड वार टाइम इंडस्ट्रीज़ एंड वार टाइम गुड्स अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद किस तरह से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फास्ट बहुत ज़्यादा क्विक रिकवर किया गया रिकवर क्या किया गया डेवलप किया गया ये इकोनॉमिक रिकवरी एक मॉडल पे चली ये मॉडल क्या था एक वेल नोन मैन्युफैक्चरर या कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड, हेनरी फोर्ड जो एक वेल नोन कार मैन्युफैक्चरर था उसने एक मॉडल अडॉप्ट किया ये मॉडल क्या था इसको कहा जाता है शिकागो स्लॉटर हाउस मॉडल शिकागो स्लॉटर हाउस मॉडल स्लॉटर हाउस बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे जानवरों को माया मारा जाता है फिर उनका गोश्त मार्केट में बेचा जाता है तो इसने यही एक मॉडल अडॉप्ट किया कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब कैसे इस स्लॉटर हाउस में पहले बहुत सारे जानवरों को मारा जाता था तो मारने वाला मारने वालों की कैटेगरी अलग थी इनकी खाल खींचने वालों की कैटेगरी अलग थी यानी एक ग्रुप लोगों का मारता था जानवरों को दूसरा ग्रुप उनकी खाल उतारता था तीसरा उनके गोश्त के टुकड़े करता था चौथा उनको मार्केट में बेचता था तो यही सिस्टम था यानी हर ग्रुप को अपना एक काम था तो हेनरी फॉर्ड ने यही मॉडल अडॉप्ट किया उसने क्या किया कार मैन्युफैक्चर करने के लिए वर्कर्स को अलग अलग काम दिए तो जो वर्कर स्टेयरिंग बनाता है वो सिर्फ स्टेयरिंग बनाने का काम करेगा यानी जो वर्कर सिर्फ स्टेयरिंग बनाते हैं वो सिर्फ स्टेयरिंग बनाएंगे जो पेंट करते हैं वो पेंटिंग करेंगे पेंट करेंगे उसको जो व्हील बनाते हैं वो व्हील ही बनाएंगे जो बॉडी बनाते हैं वो बॉडी ही बनाएंगे जो इंजन बनाते हैं वो इंजन ही बनाएंगे जो कार के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ते हैं वो सिर्फ जोड़ते रहेंगे यानी हर एक को अपना अपना काम मिला लेकिन ये सारा काम एक ही जगह पे होने लगा शिकागो में तो इससे क्या हुआ इससे वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया इतना काम किया कि उन्हें अपने इस काउंटर पार्ट वर्कर के साथ काम करने का टाइम मौका नहीं मिलता था यानी जो वर्कर्स साथ में काम करते थे वो काम में इतने बिज़ी हो गए कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं इतना ही नहीं वो चाय पीने के लिए उनके पास टाइम नहीं है खाना खाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है तो नतीजा क्या हुआ जो कार की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई यानी जो कार की प्रोडक्शन हो गई थी मास कार या हम कहेंगे जो लोगों के लिए कार बनाई गई उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई सो द टी मॉडल फॉड यह कार का नाम है द टी मॉडल फ्रॉड वॉज द वर्ल्डस फर्स्ट मास प्रोड्यूसड कार यू कैन सी टी मॉडल ऑटोमोबाइल लाइनड अप आउटाइड द फैक्ट्री फैक्ट्री जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर यह सारा काम हो रहा था तो इससे क्या हुआ जो मास प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी स्ट्राइक क्योंकि कि उनके पास जो खाने पीने का टाइम था वो भी नहीं था बात करने का भी टाइम नहीं था तो हैंनरी फॉर्ड ने क्या किया इस स्ट्राइक के बाद उसने इन लोगों की जो सैलरी थी इन लोगों के जो वेजेस थे वो डबल कर दिए यानी अगर कोई सौ रुपया कमाता था उसको दो सौ रुपया कर दिया तो इससे इनकम बढ़ गई इन वर्कर्स की इनकम बढ़ गई तो उनकी लाइफ में चेंज आ गई अब अगर उनकी इनकम बढ़ गई है तो वो नई नई चीज़ें मार्केट से ख़रीदने जा रहे हैं यानी मार्केट में अब पैसा जा रहा है तो वैसली जब मैं कहीं पर ख़रीदने जाऊँगा मेरा पैसा दुकानदार के पास जाएगा दुकानदार कुछ और ख़रीदेगा वो कुछ और ख़रीदेगा यानी पैसा रन कर रहा है पूरे मार्केट में ये सिस्टम इतना कामयाब रहा कि रेफ्रिजरेटर कंपनीज, ग्रामा फ़ोन प्लेयर कंपनीज, रेडियो कंपनीज, वॉशिंग मशीन कंपनीज इन सब ने यही मॉडल अडोप्ट किया न सिर्फ़ यू एस में बल्कि पूरे यूरोप में दूसरी तरफ़ जो यू एस था उसने एक और चेंज लाई चेंज क्या थी वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी ये जो चीज़ें बन रही थी इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ में इनको मार्केट में बेचा गया इंस्टॉलमेंट्स में अब इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना ये बहुत ईजी था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको यूज़ करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा इनको ख़रीदने लगे तो ये लग्जरियस आइटम्स जैसे जैसे बिकते गए इसके लिए कभी कभार लोगों ने लोन भी लिए जी बिल्कुल जब ये लगजोरियस चीज़ें खरीदने के लिए लोग निकले जो इंस्टॉलमेंट्स में भी मिल रही थी उसके लिए लोगों ने लोन्स लिए तो लोन्स ओब्वियसली बैंक देता है तो बैंक्स ने लोन्स देना शुरू कर दिया बैंक्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया अब बैंकिंग सिस्टम इतना एडवांस्ड हो गया बैंक इतने ज़्यादा काम करने लगे लोन्स की वजह से कि उन्होंने न सिर्फ यूएस में लोन्स दिए बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लोन्स देने लगे जिन लोगों के पास यूएस में पैसा था उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ये सिर्फ मैं वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की बात कर रहा हूँ यानी नाइनटीन ट्वेंटीज़ में तो जैसे ही यूएस बैंक्स यूएस पब्लिक ये सारे लोग बैंकिंग सिस्टम की वजह से या इस इंडस्ट्रियल सिस्टम की वजह से इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने न सिर्फ़ यू एस में बल्कि बाकी कंट्रीज़ यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो और ज़्यादा अर्न कर सकें इस वजह से जो यू एस की इकॉनमी थी वो बहुत वाइब्रेंट हो गई वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई लेकिन साथ ही साथ में इनके जो लोन्स चले गए दूसरी कंट्रीज़ में तो उन पे भी सूद आने लगा उन पे भी पैसा आने लगा तो नतीजा क्या हुआ यूएस की इकॉनमी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब दूसरी ओर देखते हैं क्या हुआ जैसा कि हमने पहले ही बोला वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन जर्मनी इन सब ने यूएस बैंकर से या यू एस पब्लिक से लोन्स लिए थे तो ये लोन्स अब चुकाने का भी वक्त आ गया लेकिन जैसा हमने पहले ही बोला कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ब्रिटेन की तमाम इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी थी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी थी तो इस वजह से ये अभी लोन पे करने की हालत में नहीं थे जबकि यू एस वहाँ से डिमांड कर रहा था कि लोन जल्दी से पे किए जाए वापस दिया जाए तो नतीजा क्या हुआ जो यू एस लोन देने लगा नाइनटीन ट्वेंटी नाइन के बाद इसने लोन ही बंद कर दिए और दूसरी तरफ़ जो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन तक लोनज़ दिए गए थे वो लोनज़ अभी पूरी तरह से वापस नहीं आ रहे हैं नतीजा क्या हुआ यू एस का सारा पैसा फंस गया यू so, एस का सारा पैसा फंस गया यूरोपन कंट्रीज़ में अब इस वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा और वो मार वो इम्पैक्ट क्या था ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में